हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो की कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दम मज़ेदार वीडियो लेकर आते हैं और उसकी कहानी आप लोगों को बताते हैं, जिससे आप लोग खुलकर एंजॉय कर सकें। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो की कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि जी अपने अंकल के पास आया होता है और उसके बाद उसका अंकल और वो दोनों इंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ पार्टी करते हैं। वो दोनों ड्रिंक लेते हैं। ड्रिंक लेने के बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। उसके बाद उसका अंकल उससे बातें करता है, कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला हूँ घर पर और मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं सोचता था कि तुम्हें बुला लूँ, लेकिन तुम खुद आ गए हो, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद जी बोलता है कि अंकल, मुझे भी आपकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप यहाँ से चक्कर लगा लूँ। उसके बाद उसका अंकल बोलता है कि ये तुमने अच्छा कर लिया। और कुछ लोग के उसके बाद जी बोलता है कि नहीं, बस यही काफ़ी है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसका अंकल बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए ही तो मंगाई है, मुझे पता था कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और बातों ही बातों में एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे की नज़रों में खो जाते हैं। उसका अंकल समझ जाता है कि जी मेरे पास क्यों आया है और उसका अंकल बिना टाइम वेस्ट किए जी के करीब आ जाता है। जी तो पहले से ही उसके साथ राज़ी होता है, यानी कि जी अपने अंकल के साथ सेट होता है और वो अपने अंकल के साथ हर महीने इस तरीके से मुलाकात रखता है और इन्जॉयमेंट करता है। उसको अपना अंकल बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और वो दोनों हमेशा इस तरीके से इन्जॉयमेंट करते हैं सबसे छुप के। और उसके बाद उसका अंकल जी को पुरानी बातें याद दिलाता है। जैसे ही वो उसको पुरानी बातें याद दिलाता है तो जी उसके करीब आना शुरू आ जाता है और उसका अंकल भी उसके करीब आ जाता है। उसके बाद वो दोनों इन्जॉयमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों इंजॉय में खो जाते हैं। जी तो बेचैन होता है और उसका अंकल भी जी के लिए बेताब होता है और वो दोनों खुलकर मस्ती कर लेते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, क्योंकि हम अपने अंकल को पसंद करते हैं या उससे मिलने की कोशिश करते हैं तो हम एक टाइम रख लेते हैं और उससे मिलने की कोशिश करते हैं और बार बार मन करता है उससे मिलने को, जैसे अभी इसने किया है। तो दोस्तों, अगर आपका भी मन हो अपने अंकल के साथ तो आप भी अपने अंकल के साथ इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन छुप के, क्योंकि अगर आपको कोई देख लेता है तो आपके लिए मसला बन जाएगा, आपके लिए भी और आपके अंकल के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगी।